इस बैग में लाश है। अबे ओए, इसे तो रोकना पड़ेगा। अबे रुक, वो क्यों भाग गया तेरा दोस्त? अरे सर, मुझे नहीं पता मेरा साथी क्यों भाग गया, मैं तो खुद देख के हैरान हूँ, वो ऐसे क्यों भाग गया अचानक से? बेटा लेकिन मुझे पता है कि वो क्यों भाग गया, क्योंकि इस बैग में लाश है, समझा? क्या लाश? अरे सर भला आप ये क्या बोल रहे हो, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, इस बैग में कोई लाश नहीं है। देख मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, अगर तू अपनी सलामती चाहता है चल बैग खोल के दिखा। मैं आपको ये बैग खोल के नहीं दिखा सकता, वो क्या है ना, मैं कपड़ों का काम करता हूँ और इसमें स्पेशली कपड़े मंगवाए मैंने अपने क्लाइंट के लिए, बाहर से इम्पोर्ट करवाया है, अगर मैं ये बैग खोलूंगा तो इनकी प्रेस खराब हो जाएगी, आप समझिए बात को, मैडम मेरी सैलरी काट लेगी। देख ज्यादा ना बहानेबाजी मत कर, समझा ना, तू अपनी गलती को छिपाने के लिए तू बोल रहा है कि कपड़े का व्यवसाय है, अरे तू लाश लेके जा रहा है इसमें, समझा? खोल के दिखा अगर अपनी खैरियत चाहता है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा अभी। अरे सर मुझे पता है आप फौजी हो, लेकिन मैं ये बैग नहीं खोल सकता, आप मेरी बात समझिए, अगर मैं ये बैग खोलूंगा तो मैडम को लगेगा मैंने बैग खोल के उसमें से कुछ चोरी कर लिया और मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, आप प्लीज समझिए बात को। देख मजबूरी गई तेल लेने, मैं जितना कहता हूँ ना उतना कर, अगर अपनी सलामती चाहते इसको खोल, नहीं तो देख बेटा तेरे पिछवाड़े पे इतना डंडा पड़ेगा ना कि चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, समझा? तू फौजी की मार देखा नहीं है बेटा, अभी कूट काट के तुझे यहीं पे हलवा बना दूंगा। नहीं सर देखिए मैं ये बैग बिल्कुल नहीं खोल सकता, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए ना, इस बैग को उठा के देख लीजिए, इसमें कपड़े हैं, बहुत ही हल्का वजन है, अगर लाश होगी तो बहुत भारी होगा, आपसे उठेगा ही नहीं। अरे वो तो मैं चेक करूंगा ही। अरे बाप रे, कहता है कुछ वजन ही नहीं, देख कितना वजन है, मुझे तो लगता है इसमें किसी 5-10 साल के बच्चे को तूने मार के बैग में पैक कर दिया, देख अभी तुझे मैं चेक कर। नहीं सर, सर प्लीज सर ये बैग मत खोलिए सर, मेरी सैलरी चली जाएगी सर, आप बात तो समझिए सर प्लीज। सैलरी चली जाएगी सर, अभी तुझे बताता हूँ सर प्लीज। अरे अरे हाँ इसमें तो कपड़े ही है। तो इतनी देर से सर मैं आपको बोल क्या रहा था, इस बैग में कोई लाश नहीं बल्कि कपड़े है, अब देखिए आपने मेरा पूरा बैग खोल दिया, सारे कपड़ों की प्रेस खराब हो गई, अब मैं मैडम को क्या जवाब दूंगा, मेरी सैलरी कट जाएगी सर। अरे अगर इसमें कपड़े थे तो तुम्हारे उस दोस्त ने क्यों मुझे बताया कि इस बैग में लाश है? क्या लाश है? अरे सर वो क्या है ना, वो बच्चा मेरी दुकान पे काम करता है और वो बहुत मजाक किया है, लगता है उसने आपके साथ कोई मजाक कर दिया। अरे तुम लोगों के मजाक में मैं अपनी बेटी को सरप्राइज विजिट देने जा रहा था, उसमें भी देर हो गई, अच्छा ठीक है संभल के जाना, ठीक। अरे सर उस लड़के ने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया है, बल्कि उसने तो आपकी बेटी की मदद करी है ताकि आपकी बेटी रंगे हाथों पकड़ने से बच जाए। यार बहुत दिन हो गए प्रेस नहीं करवाई, करवा ला तो। अरे अरे ये तो गोपाल अंकल है ना, ज्योति दीदी के पापा, और ज्योति दीदी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे पीजी में है। अरे यार आज तो ज्योति दीदी रंगे हाथ पकड़ी जाएंगी, एक काम करता हूँ जल्दी से उन्हें फोन कर देता हूँ। देवी आज तुम काफी अच्छी लग रही हो। और दिन अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, लेकिन आपको कॉल, 2 मिनट, पता नहीं किसका कॉल है, चेतन का। हेलो, हाँ चेतन दीदी, वो आपके पापा आ रहे हैं। क्या पापा आ रहे हैं? हेलो चेतन यार, पता नहीं ये दरवाजा खुल नहीं रहा है, कहीं से लॉक वॉक तो नहीं है? लगता है दीदी लॉक खराब हो गया। और ये बाहर से खुलेगा चाबी से? मेरे पास ना रूम की दूसरी चाबी है, तो मैं आके खोल दूंगा, उससे पहले ना मुझे आपके पापा को ना रोकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू ना जल्दी से आ, नहीं तो पापा आ गए ना तो फिर मेरी ना ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ ठीक है। अरे भैया आ रहे, अरे भैया रुको। अरे क्या हो गया? अरे भैया बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। अरे कहाँ चल रहा है? अरे भैया चलो मैं बताता हूँ आपको, चलो 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 भैया। चलो अब जल्दी से चलता हूँ।